जहां एक तरफ आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा था, वहीं दूसरी ओर चित्रकूट के सगवारा गांव में राष्ट्रीय सनातन दल के कार्यकर्ता गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगा रहे थे। इन लोगों ने पूरे विधि विधान से इस मूर्ति के लिए मंदिर का शिलान्यास भी किया। इसके बाद दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की। वहीं जिला प्रशासन को मिली सूचना के बाद आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी और थाना पुलिस के कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई और देर तक विवाद करने के बाद प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। माहौल और हालात को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाकर मूर्ति को उखड़वाकर अपने कब्जे में ले लिया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय सनातन दल के जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे कहते हैं कि उनका मकसद गोडसे की विचारधारा को आम जनमानस तक पहुंचाना है। वहीं जिला प्रशासन ने इस मामले में कैमरे में कुछ भी बोलने से ऐतराज जताया। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, हिंदू भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये जो मंदिर हम लोगों ने बनाया है ये इसकी रक्षा आप लोगों के हाथ में है करने की। मेरा मकसद है गोडसे जी की विचारधारा को आम जन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने किस सोच से, क्या सोच करके उन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, इस चीज को ओपन करना है पूरे समाज में। हमारे हिसाब से उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। गांधी की हत्या नहीं, गांधी का वध हुआ था उनके द्वारा। ये हमारी सोच है अपनी, किसी और की कोई भी सोच हो जाए मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। तो लेकिन हम ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि आज भारतीय जनता 30% से ज्यादा हमारे साथ में है और हमारी विचारधारा के साथ। तो ये बताइए कि आप क्या गांधी जी को नहीं मानते? मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो फिर आपने 2 अक्टूबर के दिन ये काम किया? 2 अक्टूबर के दिन इसलिए किया क्योंकि गांधी जी को मानते हुए भी हमें गोडसे के अच्छे कार्य को इज्जत देनी थी। हमें, हमारा मकसद था गोडसे जी के अच्छे कार्यों को इज्जत, मतलब उनकी इज्जत करना, गोडसे की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना, हमारा ये मकसद है।